मुरीद मुझे कॉल बैक कर। हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मीन कुरैशी ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है तो किस्मत अच्छी थी, बच गया मैं। ज्यादा देर किस्मत अच्छी रहेगी नहीं, इसीलिए कल का सूरज चढ़ने से पहले मैं मीन कुरैशी को खत्म कर दूंगा। साइड एरिया जा रहा हूं, कल हर हाल में मीन कुरैशी को मैं मार दूंगा। नहीं मुरीद, मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तुम बचा लो, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। मुझे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? वो मुस्तफा है, उसे ठानियों में वो नहीं रुकना। तू रोक सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। बेगम साहब, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, मेरे बस में कुछ नहीं है। सामने हाथ क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकती हूँ, बस मेरे बाबा को बचाना पड़ेगा। कितने प्यारे होते हैं ना ये खून के रिश्ते। आपके बाबा आपको कितने प्यारे हैं, हालांकि गुनाहगार है वो। और मेरी माँ, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यारी थी। वो तो गुनाहगार भी नहीं थी, लेकिन मार दिया अमीन कुरैशी ने। आप नहीं जानती बेगम साहिबा, आपका बाप अमीन कुरैशी इस जमीन पर बोझ है, न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर चुका है, जब तक जिंदा रहेगा तबाह करता रहेगा। मेरा क्या है, मैं तो आपकी बात मान लूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझ पर वक्त को तो मोहब्बत हो गई आपसे, लेकिन उनमें से कोई नहीं रुकेगा, कोई मना नहीं होगा जिनकी मोहब्बतों का कत्ल किया है आपके बाप ने। मुरीद, चाहे कुछ भी हो, मेरे बाबा है। कितने जालिम होते हैं ना ये खून के रिश्ते, इंसान को कितना खुदगर्ज बना देते हैं। तो मैंने हमारा रिश्ता निभाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुरीद। रिश्ता जो भी हो, मोहब्बत मांगते, खून के आखिरी कतरे तक वफा मांगते, चाहे रिश्ता खून का हो या मुरीद। तुम प्लीज बाबा को बचा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसका, किसका बर्बाद हो जाएगा? आपका, मुरीद का तो कब का बर्बाद हो चुका है। तुम्हारी नहीं हूं,